सरस्वती मंदिर कांड के बाद अब सामने आया लखनऊ का लड्डू कांड। नमस्कार, मेरा नाम है सचिन राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर हमारा खास शो। आज हम बात करेंगे लखनऊ के मंदिर के लड्डू कांड की। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के प्रसाद में चर्बी पाए जाने के बाद धार्मिक स्थलों में प्रसाद की शुद्धता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। इसी बीच लखनऊ के प्राचीन मनकामेश्वर शिव मंदिर की महंत देविया गिरी ने एक अहम फैसला लिया। उन्होंने मंदिर से बाजार में खरीदे गए प्रसाद के भोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। महंत का कहना है कि भक्तजन अब केवल अपने घर पर बने प्रसाद या सूखे मेवे ही गर्भगृह में चढ़ा सकते हैं। आइए जानते हैं इस फैसले के पीछे की पूरी वजह। वहाँ हमारे रिपोर्टर शादाब मूसा वहाँ पहुँचे और उन्होंने इस बारे में भक्तों से भी जाना। आइए दिखाते हैं आप। तिरुपति मंदिर लड्डू कांड प्रकरण के बाद आज लखनऊ में मनकामेश्वर मंदिर पे जो है एक नोटिस चस्पा दिया गया है। ये मंदिर डालीगंज, लखनऊ के डालीगंज में स्थित है। मनकामेश्वर शिव जी का मंदिर है। यहाँ पे एक यहाँ की महंत देवगिरी जी द्वारा जो है एक नोटिस चस्पा कर बताया गया, जिस पे लिखा हुआ है कि मंदिर में भोग हेतु अपने द्वारा बनाया गया प्रसाद सूखे मेवे ही गर्भगृह में चढ़ाएं। बाजार से लाए गए प्रसाद तिरुपति बालाजी आंध्र की घटना के कारण प्रतिबंधित किया जा रहा है। ये जो है यहाँ की श्री महंत देवगिरी पीठाधीश्वर हैं, जिन्होंने यहाँ पे जो है इसको प्रतिबंध किया है। और इस मंदिर की हम आपको जो है कुछ विशेषताएं बताते हैं। ये मंदिर तकरीबन 1000 वर्ष पुराना है। अगर यहाँ पे बात की जाए मंदिर में, तो ये मंदिर के अंदर जो है जो शिवलिंग है, इस मंदिर पे कैमरामैन से कहना चाहेंगे कि शिवलिंग के एक बार जो है दर्शन कराएं और बताएं कि चांदी के छत्र से जो है इस शिवलिंग को ढका गया है। चांदी के शिवलिंग से जो है शिवलिंग को चांदी के छत्र से ढका गया है। और एक बात बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो माता सीता माता जो है जब वनवास के लिए गई हुई थी, उसी दौरान राजा लक्ष्मण ने यहाँ पर आ करके भगवान शंकर की पूजा की थी। बात अगर मंदिर के निर्माण की जाए तो इस मंदिर को जो है राजा हिरण्यधनु द्वारा जो है छत्रों पे जीत के बाद इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। यहाँ पे कुल 23 श्रवण कलश लगे हुए हैं, 23 श्रवण कलश लगे हुए हैं। यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। बातचीत में देखेंगे कि ये फैसला जो महंत देव्यागिरी द्वारा जो लिया गया है, इस फैसले का किस तरह से यहाँ पे भक्तजन जो आए हुए हैं स्वागत करते हैं। भक्तजनों से जानेंगे और पूछेंगे, उनसे बात करेंगे। आए क्योंकि बाहर शुरुआत में मिलावट आ रही है ना, इसको देखते हुए यहीं का प्रसाद बना हुआ करना चाहिए। ठीक है ना, मैं 40 साल से यहाँ से आ रहा हूँ, 40 साल से इस मंदिर पे आ रहा हूँ। क्यों मार आते हैं, श्रद्धा है, श्रद्धा है, जो भी मांग करी जाती है वो पूरी हो जाती है। इसका नाम मनकामेश्वर मंदिर है। तो और भी लोग हैं यहाँ पे, और लोगों से भी बातचीत करने की ज़्यादा जानकारी के, और लोगों से भी बात करेंगे और पूछेंगे कि किस तरह से जो है इस मुद्दे का जो यहाँ पे रखा गया है, कैसे इसका स्वागत कर रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? अमित गुप्ता। अमित गुप्ता जी, यहाँ पे एक तिरुपति जो लड्डू कांड हुआ है जिसमें फिश ऑयल वगैरह पाया गया है, उसको देखते हुए मनकामेश्वर की महान दिव्यागिरी जी ने जो है एक यहाँ पे रखा हुआ है और यहाँ पे बाज़ार से प्रतिबंध कर दिया है वहाँ से बाहर से लाने पे, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ठीक है, अगर बाहर से कोई लाने को उन्होंने प्रतिबंधित करा है तो बेहतर है। हाँ। क्योंकि वो इस मंदिर की देख करता करता है। हाँ। तो वो जो कर रही है वो बेहतर होगा। हाँ। जैसे कि कितना कुछ जो है यहाँ पे असर देखने को मिलेगा, क्या लगता है आपको कि लोग यहाँ पे जो है महान दिव्यागिरी जी ने जो यहाँ पे लोगों से जो है प्रतिनिधि यहाँ की जो है उन्होंने प्रतिबंध लगाया है, कितना लोग जो है उस पर करेंगे, उस पर सक्षम रह करके जो है घर के ही बने हुए मावों का और उसका जो है गर्भगृह करेंगे? यहाँ पर जनता जो आती है, यहाँ पर जो भक्त आते हैं, भक्तगण आते हैं, वो लोग उसका पालन करेंगे, करते ही हैं। अमूमन देखा गया तो करते हैं वो लोग पालन, लिहाजा करेंगे पालन। और लोगों से भी यहाँ बात करेंगे, और लोग भी कुछ महिलाएं भी आई हैं, महिलाओं से भी जानेंगे कि किस तरह से जो है इस का जो है स्वागत कर रही हैं, इस मुद्दे का जो रखा गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए और लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। हाँ, क्या नाम है भैया आपका?
विवेक गुप्ता नाम है मेरा। विवेक जी, यहाँ पे जो है तिरुपति मंदिर में जो कांड हुआ लड्डू प्रकरण के बाद में काफ़ी माहौल गरमाया हुआ है, और जहाँ कई महंत हैं वो एक ये लोगों से कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो है मंदिर के अंदर जो भी प्रसाद आए वो अपने घर से ही लाएं। बाज़ार का जो है यहाँ पे आज से ये सुविधा व्यवस्था जो है लागू कर दी गई है कि यहाँ पे बाज़ार का लाया हुआ प्रसाद प्रतिबंध कर दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना तो यही है, देखिए ये अच्छा कदम है, लेकिन आप इस बात को मानिए खाली प्रसाद ही नहीं, देश में जितनी भी चीज़ें बाहर से मिलती हैं वो कहीं ना कहीं अशुद्ध हैं, उसमें हर एक धर्म वाले लोग उसमें बराबर के भागीदार हैं। उसमें कुछ लोगों का धर्म से ज़्यादा है पैसे पर विश्वास, वो हर धर्म के लोग हैं। आप सोचते हैं कि डालडा जो आप लेते हैं अपनी सब्जी बनाते हैं वो कितना शुद्ध है? आप कई बार ऐसी खबरें आई उनमें चर्बी मिलाई जाती है, जो हमारा FCI है जो फूड विभाग है वो सोया रहता है, खाली तिरुपति वाले मामले से बड़ा मामला था इसलिए ये मामला सामने आ गया। लेकिन कितने आप कितना समझते हैं, दिल्ली बम्बई बड़े शहरों में तो खाने की बाहर की चीज़ें शुद्ध हैं, आप बताइए हर जगह मिलावट है, मावा में मिलावट है। दिवाली के समय में होली के समय में मावे क्या स्थिति होती है आपको पता है, दूध इतना होता नहीं और मावा इतनी बड़ी तादाद में आ जाता है, सब मिलावट ही होता है। अब चूंकि मंदिर का मामला है तो इसलिए बात उठ के आ रही है, लेकिन सच यही है कि हर आदमी को इसलिए जागरूक होना चाहिए और घर का खाना ही प्रेफरेंस में देना चाहिए, जब मंदिर की बात हो घर की बात हो, और सरकार को उसके ऊपर भी कदम उठाना चाहिए कि खाली मंदिर की लड्डू की बात नहीं है, देश में इतना मिलावटी चल रहा है, आप देखते होंगे हार्ट अटैक आ रहे हैं, कैंसर हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं? ये सब जो लोग चंद फायदे के लिए जो चीज़ों में मिलावट कर रहे हैं उसका नतीजा है ये। तो मंदिर मस्जिद से उठकर भी हमें सोचना होगा, वो मंदिर वाली बात जायज़ है, वो ठीक बात है, वो हमारी आस्था का विषय है, लेकिन ये भी बात सच है कि इससे ऊपर भी हमें उठना होगा, क्योंकि अगर हम जिंदा हैं तभी आस्था है। और जिस हिसाब से देखते हैं हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं, ब्लॉकेज हो जाती है, ये घी डालडा नकली होते हैं, मावा नकली होते हैं, ये खुल के चल रहा है और पूरी सरकार और खाद्य विभाग सोया हुआ है। तो यही लखनऊ के रहने वाले? जी लखनऊ का रहने वाला हूँ, दिल्ली भी मेरा कार्य क्षेत्र रहा है, मैं खुद मीडिया से जुड़ा रहा हूँ। तो ये थी यहाँ के भक्तजन जो यहाँ पे दर्शन के लिए आए हुए थे, माताजी भी हैं उनसे भी एक बार बात करेंगे। माताजी तिरुपति मंदिर में लड्डू कांड के बाद यहाँ पे मनकामेश्वर की महंत दिव्या गिरी जी ने जो है एक नोटिस चस्पा पर कहा है कि बाज़ार से लाए हुए प्रसाद पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्या कहना है, किस तरह से इसका स्वागत कर रही हैं? उन्होंने ठीक किया है और हम इससे बड़े संतुष्ट हैं, जो भी चीज़ हो रही है वो महंत जी जो भी कह रही हैं वो गलत नहीं कह रही हैं। बाज़ार में कहाँ कहाँ क्या क्या किसी चीज़ों की मिलावट होती है, तो हम तो भ्रष्ट होंगे ही होंगे, साथ में हम अपने ईश्वर के प्रति भी अन्याय करेंगे। और हम आज से नहीं आ रहे, हम 1982 से यहाँ मत्था टेकने आते हैं, तो हम अपनी आस्था का आपसे बखान नहीं कर सकते। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में चर्बी मिलने की घटना के बाद लखनऊ के प्रसिद्ध मनकामेश्वर मंदिर में भी प्रसाद की शुद्धता को लेकर सख्त कदम उठाए गए। मंदिर के महंत दिव्या गिरी ने घोषणा की कि मंदिर में अब बाजार से खरीदे गए प्रसाद का भोग नहीं लगाया जाएगा, भक्तजन केवल घर में बना प्रसाद या फिर सूखे मेवे ही चढ़ा सकते हैं। हमारे रिपोर्टर शादा मूसा वहाँ पहुँचे और उन्होंने मंदिर की पूरी रसोई दिखाई, आइए दिखाते हैं आपको। वहीं आपको यहाँ पे हम मंदिर के अंदर बन रहे कुछ प्रसाद की तस्वीरों को भी दिखाते हैं कि बाहर जो प्रसाद होता है अशुद्ध प्रसाद से बचाने के लिए मंदिर में खुद जो है प्रसाद तैयार किया जा रहा है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मंदिर के अंदर जो है इस प्रसाद को तैयारी कर रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? मुकेश गुप्ता। मुकेश जी, आप प्रसाद बना रहे हैं? जी जी, मंदिर में बनता है हर सोमवार को हलवा, बाबा का भोग बनता है और पेवर देसी घी से यहाँ बनता है शुद्ध बिल्कुल। अच्छा, एक बार आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो है, ये देखिए ताज़ा जो है, आज इनका कहना है कि हर सोमवार को यहाँ पे जो है ये भोग चढ़ाने के लिए प्रसाद तैयार किया जाता है, इसी से गर्भगृह होता है। जी जी, जब से तिरुपति बालाजी में प्रसाद का विरोध हुआ है तब से यहाँ पे अपने हाथ से रोज खीर का भोग और सोमवार के दिन ये हलवे का भोग लगता है मंदिर में। इस फैसले के बारे में महंत दिव्या गिरी ने बताया कि बाजार में प्रसाद की शुद्धता पर सवाल उठने लगे और भक्तों की धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखते हुए निर्णय लिया गया। मंदिर प्रशासन ने इस संबंध में सूचना भी जारी की और ये व्यवस्था आज से ही लागू कर दी गई। महंत दिव्या गिरी ने अन्य मंदिरों के पुजारियों से भी अपील की और कि वे अपने अपने मंदिरों में इस व्यवस्था को लागू कर दें। हमारे रिपोर्टर शादा मूसा पहुंचे और उन्होंने मंदिर की महंत दिव्या गिरी से बात की, आइए दिखाते हैं।
हमारे साथ में बात करने के लिए इस वक्त में मौजूद हैं मनकामेश्वर मंदिर की महंत दिव्यागिरी जी। दिव्यागिरी जी, जैसा कि तिरुपति मंदिर में लड्डू कांड प्रकरण के बाद आज यहां पे एक व्यवस्था लागू की गई है आपके द्वारा कि बाज़ार से लाए हुए प्रसाद पर यहां पे प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्या वजह रही है? जी, आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में जो लड्डू प्रकरण हुआ उससे हम लोग सीख लेते हुए कि भविष्य में यहाँ पे लखनऊ या अन्य क्षेत्रों में इस तरह की कोई घटना ना घटे, तो उस हेतु हम लोगों ने एक सावधानी बरती है और जो हमारे भक्त हैं, श्रद्धालु जन हैं, जो आने वाले दर्शनार्थी हैं, उनके लिए हम लोगों ने एक आग्रह किया इस अपील के साथ में कि आप लोग जो प्रसाद है वो बाज़ार से ना खरीदें, संभव हो तो घर से बना लें, और वो भी आप अस्वस्थ हो जाएं कि वो घी जो आप प्रसाद के लिए यूज़ कर रहे हैं वो शुद्ध है या नहीं शुद्ध है, या तो घर के बने घी का आप लोग उपयोग करें या फिर जहाँ से भी लें बिल्कुल अस्वस्थ हो जाएं कि वो किसी प्रकार का मिलावट ना हो। दूसरा, अगर ये संभव नहीं हो पा रहा है तो आप लोग सूखे प्रसाद पे जाएं, ड्राई फ्रूट्स यूज़ करें, या जैसे हमारे पहले बहन माताएं नारियल को कट करके उनका पाक बनाती थी, छुहारे या किशमिश में या मखाने मिला के, वैसा आप लोग पंचमेवा का प्रसाद तैयार कर सकते हैं, या फिर पूहे या हलवा भी आप लोग बना सकते हैं। अगर ये भी नहीं हो पा रहा है तो आप फल सिंपल चढ़ाएं, जो बहुत जल्दी में है, जिनको इतना समय नहीं है तो वो फल भी चढ़ा सकते हैं, फलकर भी नैवेद्य माना जाता है, श्रीफल भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इन प्रसादों पे आना पड़ेगा क्योंकि मिलावट बहुत ज़्यादा है समाज में, आपको उसे बचना है। जो आपके ईष्ट हैं, देवता हैं, जो आपका विग्रह है, या आप जिस मंदिर जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी मंदिर आए, हम सारे पुजारियों से भी अनुरोध कर रहे हैं, सारे धर्माधिकारियों से भी अनुरोध कर रहे हैं कि वो इसकी पहल करें और बाहरी प्रसाद पे कम से कम उपयोग में लाएं। और अगर जहाँ भी बाहरी प्रसाद मिल रहा है वहाँ उन लोगों ने एक आह्वान ये भी किया है डीएम कार्यालय जाके कि जो भी प्रसाद है उसका जांच कर लें, उसके बाद तभी वो अंदर जाए। जब ऐसा हम लोग उपाय अपनाएंगे तो शायद जो हमारी शुद्धता है वो बनी रह सके। तो आपने सुना, हमारे साथ में मनकामेश्वर मंदिर की जो है महंत दिव्यागिरी जी थी, जिन्होंने बताया कि भक्त जन को जो है किस तरह का जो है प्रसाद लाना है और किस तरह से जो है यहाँ पे गर्भगृह पे जो है प्रसाद को चढ़ाना है। कैमरामैन पर्सन आशुतोष त्रिपाठी के साथ मैं शादाब मूसा, लखनऊ, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। उन्होंने जिलाधिकारी से आग्रह किया कि जहाँ जहाँ बाहरी प्रसाद का भोग चढ़ाया जाता है वहाँ सख्त जांच की जाए ताकि भक्तों को शुद्ध प्रसाद मिले। ये फैसला मंदिरों में प्रसाद की शुद्धता बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना। महंत देवागिरी ने अपनी धार्मिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए इस परम्परा को शुद्ध रखने का प्रयास किया। अब देखना होगा कि अन्य मंदिर भी इस दिशा में क्या कदम उठाते हैं और आगे क्या ऐसे ही मंदिर की शुद्धता बनी रहती है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।